Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Superland 6 inches under. कुछ incomplete सा name नहीं है इस game का, बट हाँ, जो भी हो, इस game में हमें थोड़ा बहुत दिमाग लगा के अलग अलग जगहों से escape करना है. थोड़ा बहुत नहीं, शायद बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है, क्योंकि जिन जगहों से हमें एस्केप करना है, निकलना है, वो कोई छोटी मोटी इजी जगह नहीं है. बहुत बड़ी बड़ी मेज हो सकती है, हो सकता है कोई डेंजरस पजल हो, या फिर कुछ अंधेरी वाली सुनसान हॉरर जगह भी हो सकती है. खैर, वो तो खेल के ही मालूम पड़ने वाला है कि आखिर ये गेम कितना हार्ड और कितना मस्त होने वाला है. तो जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अभी तक आपने ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको नहीं ठोका है, तो जल्दी से तोड़ के, तोड़ना नहीं है, नीचे आके दबाना है इस बटन को. ऑलराइट, फिलहाल अभी सुबह हो चुकी है, कुकड़ू कू हो गया है और मैं अपने बेड से सो के उठ चुका हूँ, और शायद मुझे कोई तो गेट पे बुलाने के लिए आया हुआ है. और ये अपना काफ़ी ज़्यादा शानदार सा रूम है, बट यहाँ पे काफ़ी सारा पाइप वगैरह रखी हुई है. टाइम फॉर वर्क, मुझे शायद कोई काम के लिए उठाने आया है. वेट, हेलो, कौन है भाई? मैं ये वाला गेट नहीं ओपन कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों. मेरे को पे रुक जा भाई, योर सर्विस आर रिक्वायर्ड. मैं आ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है गेट कहाँ से ओपन. ओके, तो मुझे इस वेल को यूज करना है गेट ओपन करने के लिए. ब्लू प्लम्बर, देयर आर यू. अच्छा, तो मैं इस गेम में एक प्लम्बर हूँ. द रॉकेट इज अबाउट टू लॉन्च एंड वी नीड एवरीवन डाउन देयर फॉर सेफ्टी. ओके ओके ओके, तो हम लोग शायद किसी रॉकेट लॉन्च के लिए यहाँ पर है. हम लोग और एक सारे कार्टून है, सब लोग इस टाइम पे बाहर जा रहे हैं क्योंकि कोई रॉकेट लॉन्च होने वाला है, और सेफ्टी पर्पज के लिए मैं अपने घर से बाहर निकल के ओपन ग्राउंड में आना होगा. बट सामने कोई बहुत बड़ा बच्चा खड़ा हुआ है. हम लोग कोई टॉय तो नहीं है ना? मेरे को फील पता नहीं क्यों आ रही है कि शायद हम लोग कोई टॉय हैं. अरे भैंस की, ये कौन आ रहा है? ये कौन है भाई? सस्ता आयरन मैन. रुक जाओ, इसका तो मस्त एकदम फोटो शूट हो रहा है. लेट्स गो, इसके में मजा आने वाला. फुल एकदम बॉडी बिल्डर है. क्या ये एस्ट्रोनॉट तो नहीं है? रॉकेट यही उड़ाने वाला है गाइस. रॉकेट में बैठने के लिए जा रहा है. पूरी की पूरी जनता इसके लिए क्लैपिंग कर रही है. ठीक है, टुडे आई एम्बार्क ऑन अ हिस्टोरिक जर्नी. लेट्स गो, जा भाई जा, हो जा चोड़ा. पूरा सामने रॉकेट, और भाई वो सच्चे में सस्ता आयरन मैन है भाई. उड़ता हुआ गया रॉकेट में बैठने के लिए, वो खुद एक रॉकेट रॉकेट में जा रहा है. लेट्स गो, लॉन्च इन. तो ये शायद से हमारे बॉस हैं. 3, 2, 1 एंड लेट्स गो. बटन दबा दिया है एंड रॉकेट वो बटन दबा रहा है, बट कोई तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रॉकेट लॉन्च नहीं हो रहा. ओ भाई, अब पता नहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो. मैं यू फिक्स दिस. ओ, मेरी साइड से प्रॉब्लम है. वेट, हम लोग ना गाइस ब्लू प्लम्बर हैं, यानी ब्लू वाला जितना भी काम है वो यहाँ पर मैंने करा है, और कुछ रेड लोग हैं. यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बिरादरी बटी हुई है, मुझे इसको ठीक करना होगा तभी ये चलेगा. ओए, मैं इसे घुमा रहा था, ये टूट के निकल गया, और उल्टा भी यहाँ पे पाइप लीक होने लग गया है. रेड प्लम्बर हेल्प कर दे यार, दैट ओल्ड व्हील वाज फॉल्टी, फाइंड अ रिप्लेसमेंट. मुझे यहाँ पर अभी एक न्यू व्हील ला के लगाना पड़ेगा, तभी ये वाला जो रॉकेट है ये ऊपर उड़ने वाला है. दिस इज गोना बी क्रेजी. वो तो दिख ही रहा है मुझे, बट हेलो, क्या आप क्वीन हो? माय सन प्रिवेंटेड वॉर विद द ब्लू किंगडम लॉन्ग अगो, नाउ लुक एट हिम ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड. यार यहाँ पर ना मेरे को ऐसा लग रहा है जो ब्लू वाले लोग हैं और जो रेड वाले लोग हैं, उन दोनों के बीच में आपस में कुछ तो लड़ाई है, या फिर दोनों शायद एक दूसरे को लाइक नहीं करते. देखो, एक रेड वाला राजा है, एक ब्लू वाला राजा है, बट अभी मेरे को इससे मतलब नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर ना राजा हूँ, मैं ना यहाँ पर सिपाही हूँ. मेरा काम है प्लम्बिंग का, तो ये जो पाइप टूटी है मुझे इसे ठीक करना होगा ताकि रॉकेट लॉन्च हो पाए. हेलो कैमरा मैन, अमेजिंग यू कैन गेट सच रियलिस्टिक सनलाइट इन गेम्स दीज डेज. चुप रहे, निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है. मुझे वेल्व ढूंढना होगा, कहाँ पर मिलने वाला है. हेलो भाई साहब, मेरे को उधर जाने दो कुछ, मेरे को अबे उधर जाने दो सामान लेकर. पैंस की पिटेगा भी तू यार, ये देखना जगह ब्लॉक करके बैठे हुए हैं. मैं शायद से इस वाले रूम में भी नहीं जा सकता. ओ वेट 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 वेट, मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? गाइस, जो अपना रूम था उस रूम के अंदर काफ़ी सारा प्लम्बिंग का सामान पड़ा था ना, तो क्या पता उस रूम के अंदर से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए और हम लोग उसे यहाँ पर ला के लगा दे. गिरा ये वाला वेल्व लेकर, ये मेरा रूम नहीं है लेकिन, कि मैं किसी और के रूम में आ चुका हूँ, बट हाँ मेरे को यहाँ से एक वेल मिल चुका है. जल्दी से इसे लेकर चलते हैं, वहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं. ओ वेट, यहाँ पर कुछ है अंदर, इसको साइड फेंको. ये क्या भाई? ओ तेरी, आई फॉरगेट दिस. भाई कितना बदतमीज है ये. जो बंदर रॉकेट में गया था ना, मैं उसका शायद सामान चुराने आ गया था, या फिर उसको मैंने ही ढूंढा था, बट वो वापस उसे लेके चला गया. क्या ठीक है, मेरा प्लम्बिंग का काम है, मैं कहाँ सोना इकट्ठा करने जा रहा हूँ.
मैंने इसे लाके लगा दिया, फटाफट से इसे ऑन करते हैं। आई फिक्स्ड इट भाई, वेल डन सेफ्टी इंस्पेक्टर, करा मैंने, ठीक है, क्रेडिट सिस्को मिल गए। वाह यार, काफी गलत बात है बट ठीक है, हमारी वजह से किसी का तो फायदा हो रहा है। रॉकेट इस टाइम पे टेक ऑफ करने जा रहा है और ये रॉकेट यहाँ से उड़ चुका है, लेट्स गो। बट कुछ तिरछा नहीं गया रॉकेट, ओए ये कहाँ आ रहा भाई, बच गया कहाँ, अबे पागल है क्या उड़ा रहा है ये रॉकेट, है भाई फाइटर जेट नहीं है मिलिट्री वालों का। वेट, व्हाट्स दैट साउंड भाई, हम लोग एक टॉय हैं, हम लोग एक टॉय थे, मेरे को लग ही रहा था कोई बच्चा हमारे साथ खेल रहा था, बट उसको खेलने से मन भर गया, अभी वो सारे टॉय की सफाई कर रहा है, मैं क्या करूं। हेलो, ये क्या कह रहा है, प्लम्बर विद, ये मेरे को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा है, चल 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 चल, कहाँ जाना है, अबे चलना कहाँ, अच्छा इसके अंदर कूदूँ मैं सच्ची में कूद जाऊँ ना भाई, मेरे पीछे कोई आए, मैं जा रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे बोला है। खैर ठीक है ठीक है, अभी फटाफट मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे को कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, बट इसके साथ साथ मैं चलता हूँ, ये मुझे, ओ हेलो नेरूटो भाई, उसको देखना नेरूटो की तरह भागते वो चला गया, और मैं ज़्यादा तेज़ अभी भाग नहीं पा रहा हूँ, मैं काफ़ी धीरे धीरे भाग रहा हूँ। ये जगह पे ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक कोई तो अर्थक्वेक आ गया है और ये जगह अभी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होने वाली है। फिलहाल अभी मुझे जंप मार के यहाँ से नीचे उतरना होगा, मैं काफ़ी सेफली यहाँ पर आ चुका हूँ। ये गेम एक पजल वाला एस्केप गेम था बट काफ़ी अजीब सा, द बंकर इट वॉन्ट ओपन द पावर इज आउट, प्लम्बर यू विल नीड टू गो बैक एंड फाइंड अ राउट टू दैट। ओ तो अगर मैं इस वेल्व को घुमा दूंगा तो ये जो एग्जिट होने का रास्ता है या फिर जो बंकर का रास्ता है जिसके अंदर सब लोग सेफ रह सकते हैं इस भूकंप से, वो खुल जाएगा, यानी अभी मुझे इसे खोलने के लिए वहाँ पर जाना होगा। तो क्या वहाँ पर जाने का कोई, यार यहाँ पर एक बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है, मुझे उसने लिखा था गो बैक, मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उस जगह का रास्ता शायद पीछे से ही है। मैं मरूँगा यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई, वो खुद तो नेरूटो की तरह भाग के आ गया, मैं एक तो बेचारा चल चल के, अरे ओ भाई ऊपर से क्या गिर रहा है ये, वेट यहाँ से मैं घूम के जा सकता हूँ क्या, मैं इस पर चढ़ सकता हूँ प्लीज, चढ़ नहीं यार मैं ऊंची जंप भी नहीं कर पा रहा, बट कोई बात नहीं ठीक है हम लोग करके दिखाएंगे। बाकी अगर देखा जाए तो मुझे ना शायद इस जगह पे पहुंचना है बट कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जगह मुझे क्लाइम कर, ओ वेट वेट वेट, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्लाइम करने का एरिया मिला, तो क्या मैं इस पर चढ़ के सामने जंप मार सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं सामने चला गया तो मैं पाइप के थ्रू होता हुआ उस बंदे तक पहुंच जाऊंगा, और ओ वेट बट मुझे उस बंदे तक नहीं जाना, मुझे तो वहां पे पहुंचना है ना, पता नहीं यार वहां पे पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता होगा, पहले मैं उसके पास चलता हूँ, वहां पर कुछ तो है। ओह हियर, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ ब्रो, क्या है तेरे पास, आदर्स गिव्ड इन, एक सेकंड ये क्या चीज है, स्पीड 2x मेरे को दे दे, लेट्स गो। अभी गाइस अपनी स्पीड बढ़ गई है, जैसे वो भाग रहा था ना नेरूटो की तरह मैं भाग सकता हूँ, और मैं स्पीड बढ़ने की वजह से ऊंची जंप भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी ऊंची जंप मार दी। बट अभी मैं, ओ यहाँ पर रास्ता है भाई, ये कितनी ज्यादा बड़ी केव है, हम लोग एक भली एक टॉय वर्ल्ड में, बट ये टॉय वर्ल्ड भी बहुत अजीब है भाई कसम से। बाकी ठीक है, अभी मैं पता नहीं कहाँ भागते भागते आ चुका हूँ, नीचे पानी है, मैंने बिना देखे जंप मार दी थी, सही है यहाँ पर पानी था जो कि मैं सेफली लैंड कर चुका हूँ। ये देखो यहाँ पर एक रियल का स्पून गिरा हुआ है कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है, अब आप लोग आइडिया लगा सकते हो इस टाइम पर हम लोग कितने छोटे छोटे से टॉय हैं। क्या ठीक है, अभी यहाँ पर ना दो तीन रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता जा रहा है इस तरफ में, और इस रास्ते से मैं बाहर नहीं निकल सकता, ये जगह टूटने वाली है, मुझे जल्दी से जल्दी करना होगा जो करना है, मेरे को इस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए, ओ नहीं जाना वही है बट ऊंचाई से आके जाना है, और फाइनली अभी मैं दूसरी साइड पर आ चुका हूँ। ओ भाई ये क्या हो रहा है ऊपर, फटाफट से इसे ओपन कर देते हैं, लेट्स गो जल्दी से, वाला मैंने ओपन, यू डिड इट, यस यस किंग, मैंने खोल गया इसे, ब्लू और रेड राजा दोनों सेफ हैं इस टाइम पे। वेट, तुम्हें अभी भी कंपटीशन करने की लगी है भाई, ये जगह टूटने वाली है बिल्कुल, ये सारे के सारे लोग भाग रहे हैं, प्लम्बर कम बैक अराउंड क्विक एंड, मैं आ रहा हूं ना मैं ये काफी ज्यादा गलत बात है। सुपरलैंड 6 inches अंडर की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है, हम लोग अपने दोस्तों यारों से बिछड़ चुके हैं, ऊपर भूकंप आ रहा है, वो लोग किसी बंकर में गए थे, बट अगर देखा जाए तो मैं भी किसी ऐसी जगह पर आ गया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सेफ है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी मुझे क्या करना चाहिए। खैर एक बार आप लोग यहाँ पर देखो, एक नॉर्मल लाइट जो कि हमारे हाथों में इतनी से आती है वो मैं इस गेम में कितनी बड़ी दिख रही है, मतलब हम लोग छोटे से टॉय हैं, ये एक फॉक है कितना ज़्यादा बड़ा है,
अपने यार हमने हमने हर एक बंदे को बचा लिया बट हम खुद को नहीं बचा पाए, हमें कुछ भी करके इस जगह से एस्केप करना है और उन लोगों तक पहुंचना है। खैर ये नीचे जाने का रास्ता था जहां से मैं जंप मार के आ चुका हूँ। यहाँ पर ये कौन है? हाँ ब्लू मॉन्स्टर। अबे मॉन्स्टर नहीं, इधर तेरी ऐसा करते प्लम्बर प्लम्बर। ये डर क्यों रहा है मेरे से? ये व्हाइट वाले लोग हैं, पता नहीं रेड वाले लोग दिखे, ब्लू वाले लोग दिखे और ये व्हाइट वाले। हेलो सर, कौन हो आप? Why you all blue like that? Well, if you got the coin, I won't stop you making a purchase. Oh! तो ये कुछ special abilities बेच रहा है। Jump height है 10 coin का, knee bending है 10 coin का, wooden pickaxe 10 coin का। But ये क्या चीज़ है? कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पर जैसे कुछ coin है, ये सारे इकट्ठे कर लेता हूँ। यहाँ पर भी कुछ coin है, दो हो गए। ये मेरे को कुछ सामान दे रहा है। मैं इसके तो मैं अभी अंदर देखो नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। ये जो knee bending है ना, मुझे 10 कॉइन से ये खरीदना होगा तभी मैं यहाँ से और कॉइन इकट्ठे कर पाऊंगा। और फिर 42 कॉइन्स का ये मेरे को पिकैक्स दे रहा है और कुछ जंप हाइट भी दे रहा है। मतलब कुछ एबिलिटीज खरीद के हमें यहाँ से एस्केप करना होगा। भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ी भूल भुलैया ऐसी जगह है। खैर यहाँ पर कुछ तो है। ये क्या बटन है? इसमें दबाया, यहाँ से करंट गया थोड़ा सा नीचे को, बट मैं बैठ के अंदर जा ही नहीं पाऊंगा जैसा कि उसमें था। खैर ठीक है, पहले मैं वो वाले कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ जिसके लिए मुझे बैठने की जरूरत ना पड़े। अंदर एक चेस्ट है, अंदर एक चेस्ट है, इसको मैंने ओपन करा। ओए ये देखो, जब मैं इस पे खड़े हो रहा हूँ तो ये खुल जा रही है और जैसे ही हट रहा हूँ बंद हो जा रही है। मैंने कहा था ना इस गेम में थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा पजल सॉल्व करने के लिए। तो अभी मुझे कुछ ऐसा ढूंढ के लाना है जिसको मैं इसके ऊपर रख दूँ ताकि मैं अंदर जाके वो चेस्ट ओपन कर पाऊँ। बट यहाँ पर कोई ईंट पत्थर कुछ भी नहीं मिलेगा और अंदर जाने के लिए भी मुझे बेंड करनी पड़ेगी अपनी नी। यार कितनी ज़्यादा बड़ी जगह है कुछ। वेट मुझे पीछे कॉइन दिखा, कॉइन दिखा प्लीज़। मुझे ऐसे ना 10 कॉइन इकट्ठे करने हैं, 10 कॉइन इकट्ठे करते हैं शायद से अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 कॉइन है बट आई थिंक मैं जंप मार नहीं पाऊंगा क्योंकि हमें कुछ तो एक्स्ट्रा जंप वाला चाहिए होगा। मुझे यहाँ पर टोटल 4 कॉइन मिल चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे एक दूसरी साइड है, फटाफट से ना गाइस उस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर कुछ खास हमें देखने को मिलता है तो बढ़िया बात है। यहाँ पर एक मैग्नेट था बट इस मैग्नेट से भी कुछ नहीं हुआ। लेफ्ट साइड में भी कुछ नहीं है, राइट साइड में भी कुछ नहीं है। यहाँ पर एक और बंदा घूम रहा है। ये सारे के सारे ना गाइस गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर हर जगह ना गोल्ड है। हम लोग किसी एक बहुत बड़ी माइनशाफ्ट टाइप जगह पर आके गिर गए हैं और अभी हमें अपने पुराने राजा अपने दोस्तों यारों के पास वापस पहुंचना है जो कि मैं करके दिखाऊंगा आज ही। मुझे ना अभी सच्ची में ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से 2 कॉइन्स और मिल चुके हैं, टोटल 6 कॉइन हो गए हैं। 4 कॉइन और मिल जाए तो मैं क्राउच मीन्स नी बेंड करके कुछ नया ढूंढ पाऊंगा और मैं शायद से अभी इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ी सी लॉन्ग जंप मारनी पड़ेगी। बट नहीं, ये पॉसिबल है, लेट्स गो। यहाँ पर भी टोटल 7 कॉइन हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉइन और ढूंढने हैं और अपना काम हो जाएगा। लेट्स गो, यहाँ से बाहर निकलते हैं। इधर कोई कॉइन यहाँ पर नहीं, ये तो कॉइन थोड़ी है। क्या मैं जंप मार के इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ? मुझे ओए वेट, चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक कॉइन और मिल चुका है, बस 2 कॉइन और ढूंढने हैं, फिर मैं जंप हाइट वाला उससे परचेस कर लूंगा और फिर कुछ एक्स्ट्रा जगह पे मैं जा पाऊंगा। बट नहीं, एक सेकेंड कुछ मिला। ये जो बॉल है गाइस, इस बॉल को अगर इस बॉल को यहाँ पे ले जाके मैं रख दूँ कुछ इस तरीके से और अंदर जाके इसको खोल दूँ तो हमें ढेर सारे कॉइन्स ही मिल जाएंगे। इसके अंदर से 11 कॉइन्स हो चुके हैं। अभी मुझे ये सोचना होगा कि मुझे नी बेंडिंग खरीदना चाहिए या फिर जंप। मेरे हिसाब से जंप ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मैं ऊँचा कूद पाऊँगा तो मैं बहुत सारी जगहों पर जाके एक्स्ट्रा कॉइन्स इकट्ठे कर लूँगा और फिर उन कॉइन से मैं नी बेंडिंग भी खरीद लूंगा। देन फिर हम लोग और कॉइन से इकट्ठे करके पिकैक्स भी खरीद लेंगे। लेट्स गो, यहाँ से 2-3 कॉइन और मिल चुके हैं और आगे जाना है मेरे को। यहाँ से जंप मार के जाना है। ये मारी जंप, यहाँ से राइट घूम के ऊपर जाके अब मैं कहाँ जाऊंगा? ये जगह तो काफी ज्यादा भड़की। नहीं, 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 मुझे इस साइड जाना है। बट वेट, आगे तो यार आग लगी हुई है, क्या इससे आग बंद होगी? 5-4 5 सेकंड के लिए आग बंद होगी, मुझे जल्दी से निकलना होगा। भाई बच गया मैं। ओके, आग वापस आ चुकी है। मैं काफी तेज भाग कर आ गया था यहाँ पर जिस वजह से मैं बच गया हूँ। यहाँ ऊपर कोई कॉइन नहीं है। आई फाउंड दिस बॉक्स ऑफ मैच। अच्छा तो इसे मैच बॉक्स मिला है बट इससे क्या होने वाला है ब्रो? एक सेकंड दोबारा बताइए। बट नॉट एनीथिंग टू लाइट देम विद। चुप्पे, सामने इतनी ज्यादा आग जल रही है, मैं इसे जला देता हूँ बट मेरे को ये नहीं पता इसको जला के होने क्या वाला है। खैर इसी बहाने यहाँ से एक सिक्का मिल चुका है, इसको जल्दी से जलाते हैं प्लीज। ओ जल गया, नाइस। मैं जल्दी सोच लेता हूँ चीजें। एक सेकेंड, यहाँ से भाग के चलते हैं। क्या मैं इसे जला? ओ भाई मैं यहाँ पर ये कागज वगैरह को जला सकता हूँ। ये देखो कुछ कार्डबोर्ड थे, मैंने इन्हें जला दिया और ये जो मैच, भाई
ये तिल्ले भी पूरी पूरी देखो धीरे धीरे जल रही है और थोड़े टाइम में ये पूरी जल के राख हो जाएगी। ये गेम सच्ची में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खैर यहाँ पर एक लीवर है, लीवर से डाउन हो गया, अभी मेरे को जंप मार के आने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से आ सकता हूँ। और सामने एक और रास्ता है, तो क्या मैं इसको लेकर एक सेकेंड मैं कुछ समझा गाइस, बट नहीं मैं गलत समझा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है मैं जंप मार के इधर जा सकता हूँ इजी। यहाँ से इस माचिस को जलाया और जंप मार के मैं इस जगह पे जाके एक नया रास्ता खोल देता हूँ। लेट्स गो, अभी इस तिल्ली का कोई काम नहीं है, इसको फेंको। यहाँ पर एक नया रास्ता खुल चुका है, पता नहीं मेरे को ये थोड़ी बहुत सिमिलर सी जगह लग रही है, बट नहीं ये एक नया रास्ता ही है। एक सेकेंड, यहाँ पर एक कुछ तो एक पाइप है जिसकी तार जा रही है इधर, तो क्या अगर मैं इसे घुमा दूँ तो ये खुल जाएगा और अभी मैं इस पाइप के अंदर जाके यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ ऊपर वाली साइड से। ये देखो मैं यहाँ से गया और यहाँ से बाहर आ गया, बट एक चीज़ नहीं समझ आ रही, अब यहाँ से बाहर आने के बाद कहाँ जाना है मुझे, क्योंकि सिक्के इकट्ठे करने की कोशिश तो मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ। वैसे अगर अभी ऊंची हाइट पे जंप मारने वाला कुछ मिला ही है तो क्यों ना एक बारी इस तरफ भी जाकर सारे कॉइन्स इकट्ठे कर लिए जाए, ताकि मेरे पास 10 कॉइन्स हो जाएं और मैं नी बेंडिंग भी कर पाऊँ, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट हाँ, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची हाइट पर है, तो रिस्क हो सकता है मैं नीचे भी गिर सकता हूँ एक आध बारी। यहाँ पर हमारी जंप, यहाँ हमारी जंप, और ये क्या है यहाँ पर आ गई, एक सेकेंड ये दबाया, यहाँ से करंट गया भाई कहीं, तो वेट मुझे चल के देखना होगा कि आखिर इसने पावर कहाँ पे भेजी है, बट वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे एक सिक्का मिला, इसके ऊपर भी एक चेस्ट पड़ी है, बट वहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता, इसको फॉलो करता हूँ। ओए क्यों नहीं पहुँच सकता, ये शायद से या तो ये आग है या फिर ये बूस्टर टाइप कुछ लग रहा है, मैं जाके देखता हूँ। लेट्स गो, ये बूस्टर ही था, 9 कॉइन्स इकट्ठे हो चुके हैं इससे मेरे पास। आगे भी कुछ है बट शायद मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक आगे रास्ता जा रहा है। ओए एक मैंने नीचे कुछ देखा और ये थी चेस्ट, इसको ओपन करते हैं। सीक्रेट एरिया से हमें मिल चुके हैं 2 कॉइन्स, अभी चल के नी बेंडिंग अनलॉक करते हैं और यहाँ से भी 2 कॉइन इकट्ठे करेंगे, अब आने वाला है मजा। चल भाई चल, फटाफट से नी बेंडिंग दे दे मेरे को, लेट्स गो। तो अभी यहाँ पर बैट के अंदर चलता हूँ, 2 कॉइन और हो गए, जल्दी से इसके भी नीचे चलते हैं। ये वाला रास्ता काफी ज्यादा अमेजिंग है, एक कॉइन, दूसरा कॉइन, और अभी मैं पता नहीं किसी शायद दूसरी साइड पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर भी ऊपर जाने का कोई रास्ता है। यहाँ से जंप मारी, यहाँ पर भी एक कॉइन है, 7 के बाद 8, थोड़ा सा और ऊपर और ऊपर और CFL के ऊपर, देन सामने वाली इस CFL बल्ब के ऊपर। अब मुझे कहाँ जाना है भाई, ओह यहाँ जंप मारना है शायद से मुझे, लेट्स गो यहाँ से इधर की तरफ में। भाई ये गेम सच्ची में थोड़ा बहुत पार्कोर प्लस दिमाग लगाने वाला है। और खैर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सामने जाने का एक रास्ता है, ये वाली जगह भी लॉक्ड है, उसमें से 1, 2, 3 वायर निकल के आ रही है, एक वायर जा रही है यहाँ पे और तीसरी वाली कोई सीक्रेट जगह पे जा रही है। ये देखो, इसको मैंने बटन दबाया बट कुछ नहीं हुआ, एंड इसको अगर दबाऊं तो भी कुछ नहीं हो रहा, इसको अगर दबाऊं तो ये लाइट जली। अब फटाफट से इसको दबाता हूँ, ये एक सेकेंड पैटर्न है शायद से, पहले मेरे को सर्कल ट्राइंगल बॉक्स, ये कौन सा है, सर्कल एंड ट्राइंगल अंदर वाला था शायद से, एक मिनट, और मेरे पास कोई लिमिटेड टाइम भी है, ट्राइंगल एंड फटाफट से मेरे को दबाना है बॉक्स। ओके तो वो ऊपर ओपन हो चुका है और वो खुल गया है। अब फटाफट से चलते हैं यहाँ पर आने के लिए, मैं ये रहा बाहर जाने का रास्ता, दोबारा से कूद के आना होगा ऊपर जाने के लिए, पक्का वहाँ पर कुछ ना कुछ तो खास चीज़ है। तो ये हमारी जंप, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से सीधे फिर इस बल्ब पे और सामने जाके मुझे नीचे जंप मारनी है इस टाइम पे। तो भाई हम लोग बने हुए हैं एक पार्कोर, तो अभी फटाफट से सामने वाले बल्ब पे जंप मारता हूँ। नहीं 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 भाई नहीं, चार मैं नीचे गिर गया बे, मतलब दोबारा घूम के आना पड़ेगा। ओके तो अभी मैं दोबारा से घूम के आ चुका हूँ और इस बारी काफी अच्छी जंप मारी है, मेरे को कोई मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि दोबारा गिरने का शौक नहीं है। यहाँ पर बस एक चेस्ट थी और इस वाली चेस्ट में से भी मुझे 3-4 कॉइन मिल चुके हैं। इन 3 कॉइन्स के लिए मैं इतना घूम रहा था, शायद से गाइस हर एक कॉइन ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तभी इनको छुपा के रखा गया भाई अच्छे से, मतलब एक सीक्रेट रास्ता आ रहा था, उसके बाद कितनी अलग अलग जंप मारी, एक पजल सॉल्व करी, तब जाके हमें 3 कॉइन मिले हैं। सच्ची में इस गेम में कॉइन्स का बहुत वैल्यू है। एक छोटा सा एक ये जगह थी, इसके अंदर भी जाके कॉइन्स मैं इकट्ठे कर लेता हूँ। 1, 2 चलो अभी जो नया वाला रास्ता खुला था ना, जो हमने कार्डबोर्ड जला के ओपन करा था, उसमें चल के देखते हैं कि आखिरकार वो रास्ता कहाँ पे जाता है। बाकी एक ये भी है, मुझे ना गाइस ये भी ओपन करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो सीक्रेट रास्ता है जो कि हमें शॉर्टकट तरीके से इधर लेकर आएगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पर ऊपर से पानी लीक हो रहा है इन पाइप से, पता नहीं इस पानी का क्या रोल है,
खैर अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर ओ मुझे इसे जलाना है और उसके नीचे से सिक्का इकट्ठा करना है, ठीक है। बाकी ये क्या जगह है भाई, वेट, ये जगह तो काफी ज्यादा बढ़िया सी लग रही है। ये ना शायद से लावा है, काफी ज्यादा रेड हो रखा है, बट हाँ इसको देख के लावा वाली फील ही मुझे आ रही है। और एक सेकेंड, ये बंदा पहले यहाँ पर नहीं था शायद से, ये अभी अभी आया है। माय बॉल्स ऑलवेज गेट टू हॉट बाय द लावा, ऑलवेज टू हॉट, कुछ समझा नहीं मैं। खैर छोड़ो, अभी ना मैं काम करता हूँ, ये सिक्का कलेक्ट करते हैं, तो मैं माचिस की तिल्ली जला कर इधर लाता हूँ, देन हम लोग उसके बाद उस कार्डबोर्ड को जला के वहाँ से कॉइन इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था भाई, कॉइन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से यहाँ से एक माचिस की तिल्ली उठाई, ये मारी जंप, आगे गए, बट एक सेकेंड, मैं इसको जलाना तो भूल ही गया, पहले मुझे जंप मार के यहाँ से जलाना होगा, और अभी मुझे बहुत तेज भाग के जाना होगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये बुझ सकता है। ऑलरेडी ये 25% जल चुका है, बट हाँ इतनी भी दूर नहीं है, हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। ओए जल्दी 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 जल्दी, हो गया हो गया हो गया, अब फटाफट से आगे बढ़ते। ओए अच्छा, तो यहाँ पानी गिर रहा है जिस वजह से ये तिल्ली बुझ गए, क्या मैं इसे लावा से, ओ तेरी, मैं इसे लावा से जलाने की कोशिश कर रहा था बट वो पूरी जल गई। मैं एक बारी दोबारा ट्राई करता हूँ, मैं इस बार ना तिल्ली जला के नहीं लाऊंगा, नॉर्मली ले आता हूँ, लावा से उसे जला लेंगे। मैं शायद से ना लावा के काफी ज्यादा आगे चला गया था जिस वजह से पूरी की पूरी दिल्ली एक बार में ही जल गई, ठीक है। तो यहाँ से मैंने करी एक और कैरी, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ये लिमिटेड नहीं है, मैं इसे ना नीचे फेंक देता हूँ ताकि दोबारा आना पड़ा तो मैं डायरेक्ट नीचे से उठा लूंगा भाई, क्योंकि भाई लंबा लंबा घूम के आने का मन नहीं करता। लेट्स गो, दोबारा से चलते हैं फिर अभी। तो ये मैं दोबारा से आ चुका हूँ यहाँ पर, फटाफट से इसे कैरी करते हैं, और इस बारी मैंने इसे जलाया नहीं था, लावा में लेकर चलता हूँ, बिल्कुल टच करानी है, और फिर मेरे को भाई ये लावा इतना पावरफुल है कि जैसे ही मैं इसको छू रहा हूँ ना, ये पूरा एक बार में ही पूरी जल जा रही है। वैसे एक सेकेंड में कुछ समझा, मैं बॉल्स ऑलवेज क्या, भाई जो हमें लोहे वाली बॉल मिली थी ना, हमें शायद उसका यूज़ तो नहीं करना लावा बॉल बनाने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 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 जब मैं सामने गया था ना गाइस, तो यहाँ पर भी एक ये बॉल रखा था, ये देखो ये वाला बॉल, तो क्या मैं इसको जला सकता हूँ क्या, एक सेकंड ट्राई कर। ओ भाई लेट्स गो, दिमाग लगाना पड़ता है भाई सच में इस गेम में बहुत ज़्यादा, और शायद से भी ऑलमोस्ट पूरा एक लावा बॉल बन चुका है, तो क्या मैं इसको जला, भाई मैं इसको जला सकता हूँ, ये देखो अभी मुझे यहाँ से कॉइन मिल चुका है, बट इसका मेन काम क्या है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इसको वापस फेंक देता हूँ लावा में, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, फटाफट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे आगे देखो गाइस, खूब सारे कॉइन्स हैं, बट वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल है, क्लियरली इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा लावा है। इस तरफ में कुछ तो टनल जैसा है, अंदर चलते भाई। हेलो, ओए बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल, मेरे को ऐसे देखो नॉर्मली तो नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ, ये देखो वहाँ पर ऐसे कुछ रास्ता बना हुआ है, बट जैसे ही मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रॉपर डार्क हो जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। ये तो बैक साइड है, ये है फ्रंट साइड, भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा ना उल्टा देखते हुए जाता हूँ पीछे, बट यार ये बात भी तो है कि मैं यहाँ से उल्टा कैसे जाऊँगा, और अगर एक बार को मैं उल्टा चले भी जाता हूँ तो ये बताओ कि आखिर मुझे ये कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ पे जंप आना है, कहाँ से राइट लेफ्ट होना है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या मैं माचिस, नहीं माचिस की तिल्ली अगर जला के लाता भी हूँ तो पहली बात तो पानी से बुझ जाएगी, लावा से जला नहीं पाऊंगा, बाय चांस जल भी जाती है तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। हाँ क्या किया जाए, लावा की बॉल भी मैंने लावा में, ओए वेट वेट, हो गया काम, हो गया हो गया हो गया हो गया, लावा की बॉल जो लावा में फेंकी थी ना वो यहाँ पर दोबारा आ गए, मतलब हम उसे जितनी मर्जी बार फेंक दें वो हमें वापस मिल जाएगी, और शायद अभी इससे अंदर रोशनी हो जाएगी। मैं इसको छोड़ दूँ अंदर के लिए, ये अपना जाते जाएगी। ओए अंदर जावे, किधर आ, निकल अंदर। ओ नाइस, इसको मैं हाथ में रख के चल लेता हूँ ना, मेरी कौन सा हेल्थ जा रही है इसको उठाने से। हाँ ये देखो हम लोग उल्टा जाने की कोशिश कर रहे थे, अभी मुझे सही रास्ता नजर आ गया। कैंडल जलानी है, कैंडल जला के मुझे वैसे सब कुछ दिखने वाला है। थोड़ा सा ऊपर चल के यहाँ से राइट जंप, अरे नीचे आ गया मैं, दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ से मारी जंप, फिर यहाँ से ऊपर, और यहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ना है, और फिर यहाँ पे जंप, और इधर एक कार्डबोर्ड है इसको जला देते हैं। भाई ये पजल बहुत ही क्रेजी होने वाली है, सही बता रहा हूँ मैं। दो तीन एरिया मैंने चेक कर लिए, आगे यार मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत कम रेंज की चीज़ें नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि बस इसको जला दिया तो अब, ओ वेट कैंडल जलाने से काफ़ी कुछ दिख रहा है, देखो वैसे कुछ नहीं नज़र आ रहा नॉर्मली, जैसे ही कैंडल जलाई अब मेरे को काफ़ी कुछ एरिया नज़र आ रहा है, बट हाँ इस बॉल को मुझे कैरी करके ही चलना होगा क्योंकि कैंडल जलाने के लिए इसकी ही ज़रूरत पड़ती है, कैंडल अपने आप नहीं जल जाती या फिर पहले से जली हुई नहीं है। ये वाला कार्डबोर्ड भी जलाते हैं, आई होप आप लोग को भी सब कुछ नज़र आ रहा होगा।
क्योंकि पता नहीं क्यों कभी भाई मैं काफ़ी सही आ तो गया हूँ, बट अभी मुझे आगे जाने के लिए इस बॉल को फेंकना पड़ेगा, और बॉल फेंकूंगा तो वो पानी से बुझ जाएगी, जैसा कि मैंने कहा था सेम टू सेम वही हुआ, और अभी मैं नीचे आ चुका हूँ। ओए ये कौन, ओए तेरी भैंस की, भाई यहाँ तो मॉन्स्टर्स आ गए। वेट कौन हो भाई तुम, एक मिनट इधर आ, मैं बॉल फेंक के मार दूंगा, ये ले मार इसको। ओए कुछ नहीं हो रहा भाई उसको, बॉल से कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे ऊपर जाने का एक रास्ता था जिसके ऊपर मैं नहीं चढ़ पाया भाई, प्लीज एक सेकेंड, क्या मैं यहाँ से, यस मैं यहाँ से जंप मार के ऊपर आ सकता हूँ, और ये लोग ऊपर नहीं आ सकते, और अभी मैं थोड़ा बहुत सेफ हूँ भाई। ये गेम सच्ची में धीरे धीरे बहुत ही अमेजिंग होता जा रहा है, और अभी मैं दीवार की एक दूसरी साइड पे आ चुका हूँ। फटाफट यहाँ से जंप मारते हैं, यहाँ पर एक मस्त लॉक लगा हुआ है, और इस लॉक की चाबी है यहाँ पे इस रूम में, बट इस रूम का जो ग्लास है इसको मैं तोड़ नहीं सकता। हेलो ब्रो तुम कौन हो बताओ, वाटर कोल्ड, तो पानी से बाहर निकल के खड़े हो जा पागल, रो क्यों रहा, इधर आती रही ऐसी की तसी। ये ले, वो फेंक के कैसे नहीं मार पा रहा मैं, ये ले, पता नहीं यार काफ़ी ज़्यादा हल्की बोला है। हाँ वेट, ये वाला गेट ओपन करने के लिए यहाँ पर एक वायर आ रखा है, इस वायर के अंदर यहाँ बैटरी लगेगी कोई तो, और बैटरी मुझे अभी ना ढूंढ के लाने, बाहर नहीं ये रही बैटरी, यहाँ पर एक बटन है जिससे ये बैटरी, ओ रुक जाओ मेरे को भी बैटरी से मतलब होना चाहिए ना, बैटरी यहाँ पे ले जाके मैं अगर ऐसे लगा दूँ, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा जैसे कोई मॉन्स्टर अंदर आया, नहीं अंदर नहीं आया, बैटरी मैंने लगा दी। गाइस गेट ओपन हो चुका है, मैं इसे निकालूंगा तो हटेगा क्या, मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से अंदर चल के इस वाली की को उठाते हैं और जल्दी से ले जा के इस वाले लॉक को ओपन कर देते हैं। बट अबे इसको ओपन करने से होने क्या वाला है, मॉन्स्टर अंदर आके मारेंगे मुझे भाई, प्लीज ऐसा मत करो यार, कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं है। हेलो ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, और मुझे इन मॉन्स्टर से बचते हुए जाना होगा यार, ये बुरी तरह मेरे पीछे पड़ चुके हैं, बट इतने ज्यादा डेंजरस नहीं है, कार्टून से लग रहे हैं मेरे को ये देखना, इनमें कुछ मारते वारते हुए नाच करके दिखा रहे हो, ये देखो कुछ भी, मैं तो पागल हो क्या, अगर मेरे को एक मुक्का मारने के लिए मिल जाए ना इस गेम में, मुंह पे मारता मैं इनके, बट छोड़ो इनकी किस्मत अच्छी थी। मैं भी फटाफट ना यहाँ से कॉइंस इकट्ठे करते हुए आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं, अगर 42 कॉइन्स हो जाएंगे तो मैं एक पिकैक्स खरीद सकता हूँ। खैर अभी मैं यहाँ से आगे आ चुका हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कार्डबोर्ड हैं, बट लावा की वो जो बॉल थी ना वो मैं यहाँ नहीं ला सकता क्योंकि यहाँ पर पानी गिर रहा है, कुछ ना कुछ तो दिमाग मुझे लगाना पड़ेगा। यार यहाँ से एक कॉइन मिल चुका है, इधर भी ऊपर जाने का एक रास्ता, और एक पाइप है, इस पाइप के अंदर मैं नहीं जा सकता, कुछ समझे वहाँ पर पानी है, इधर कार्डबोर्ड है, यानी मुझे इनको जलाना है, और पानी इसलिए था कि मैं कुछ अंदर ना ला पाऊँ, तो ये पाइप शायद इसीलिए होगी कि हम लोग इस पाइप के थ्रू वो जला हुआ आइटम अंदर ला पाएं, मैं समझ गया ठीक है। और ये पाइप आती है नीचे से, तो भी फटाफट चलते हैं, मुझे यानी वो जो बॉल है ना उसको यहाँ लेकर आना है, इसके अंदर डालना है, और ये कौन सा गेट है, ये गेट, इसके अंदर एक बैटरी लगेगी, ये गेट ओपन हो जाएगा, और फिर मैं बॉल को इस वाले रास्ते के थ्रू अंदर ला पाऊँगा, ठीक है मैं समझ गया। अब नहीं मैं थोड़ा कम समझा, मेरे को बैटरी, अगर मैं वहाँ से बैटरी लेता हूँ तो वेट, हाँ हम लोग वहाँ से बैटरी ले सकते हैं, बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि अगर मैं बैटरी लूँगा तो क्या गेट ओपन रहेगा, चेक कर लेते हैं एक बारी, क्योंकि शायद बैटरी निकालते गेट ये वाला भी नहीं, अभी मैं यहाँ से बैटरी ले सकता हूँ, मुझे बस ये बटन दबाना है, ये आ गई बैटरी, अब फटाफट इस वाली गेट से बाहर निकलते हैं और वहाँ पे ले जाके इसको लगा देते हैं जल्दी से। तो अभी मैं ये बैटरी लेकर उस लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ से मुझे एक दूसरा गेट ओपन करना है, तो ये लगाई बैटरी, ये वाला गेट ओपन हो चुका है, अब मुझे एक बॉल लेकर आनी है लावा से जली हुई, बट वो बॉल मुझे, मैंने कहा ओए रुको, एक बॉल नहीं है यहाँ पर बहुत सारी बॉल है, मुझे एक बॉल, ये मार रहा है, ओतरी ये मेरे यहाँ से बॉल भी छीन रहे, और इसने मेरी एक HP कर दी भाई, मजाक कर रहा था मैं भाई साहब, फिर वो भागने दो भाई, तो पागल हो गए, मुझे इस बॉल को जलाना भी है वहाँ लावा में जाके, बट यार इन्होंने मेरी HP ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो कर दी है। एक सेकेंड, राइट साइड में एक रास्ता था, क्या पता मैं अपनी बॉल को वहाँ पर ले जाके जला पाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बट हाँ अभी मुझे घूम के आने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं वहाँ से बॉल ला के यहाँ से अंदर डाल दूँगा। प्लीज़ यार कोई नया रास्ता मिलता है, ग्रीटिंग्स ओ नो यू आर इंजर्ड, गेट इन क्विकली एंड गेट सम हीलिंग। ओए ये हॉस्पिटल टाइप कोई जगह है, यहाँ से मैं हीलिंग ले सकता हूँ, बट कैसे, ये क्या है, सुप्रा दो, ये यही शायद गाइस कोई चीज़ है हेल्थ वाली, इसके ऊपर हेल्थ बार बना हुआ है, बट ये मिलेगा कैसे, यहाँ पर कुछ है क्या, ये कुछ है, ओ इसके अंदर कुछ भरा है इसमें, ओ तेरी सिनर्जी कुछ हमें इस तरीके से मिलेगी, और अभी मेरी हेल्थ फुल हो चुकी है, थैंक यू बॉस, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। बट हाँ ऊपर जाने का एक रास्ता है, यहाँ पर शायद आगे कोई ना, ओए कोई नहीं है, ऊपर एक ब्लू कलर का की है, और शायद से वाह
दोबारा मुझे कूद के आना पड़ेगा, बट ठीक है अभी एचपी कम हो रही है इस कैक्टस की वजह से, तो मैं बाद में हील करके बढ़ा लूंगा मेरी एक एचपी। मरना नहीं प्लीज, बच गया। इस की को उठाता हूं मैं यहां से, और ये वाली जो की है ना गाइस, ये यूज होने वाली है नीचे एक गेट में जो हमने वहां पे देखा था। इसको ओपन करो, ये कैसे ओपन होगा? अच्छा जब मेरी फुल एचपी होगी तब ओपन होगा क्या? रुको ए, इसको दबाया बटन, ये भरा, ये इसके ऊपर खड़ा हुआ और शायद से अभी ये ओपन हो जाएगा। प्लीज ओ, तो हम लोग अगर इसके अंदर आते हैं तो अपनी फुल एचपी होगी तभी हम लोग बाहर निकल पाएंगे। बट हाँ, कोई आ रहा है, रुक जाओ, इस चाबी को यहाँ फेंको, पहले अपना काम कंप्लीट करता हूँ मैं, जल्दी से इसको लेकर चलता हूँ यहाँ से बाहर। लावा, बट यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स हैं, ये मॉन्स्टर मुझे मार डालेंगे भाई, मैं बहुत गंदा मरने वाला हूँ। रुक जाओ लावा, प्लीज जल्दी। ओ भाई मार रहे, इधर आ, ये ले। ओ जल गया वो, मेरी लावा बोल से वो जल गया, और उसको मारने के बाद मुझे यहाँ से एक हार्ट मिल चुका है। खैर यहाँ पर भी अंदर एक चेस्ट रखा है, और पता नहीं ये चेस्ट कहाँ से जलने वाला है। ओह प्लीज, नहीं, मेरे को इन्हें मारने का तरीका मालूम पड़ चुका है, बट उसके लिए मुझे लावा चाहिए होगा। प्लीज और लावा, जल्दी से वापस उसी जगह पे चलता हूँ और इस वाली बॉल को भी जला के इस मॉन्स्टर को जला डालता हूँ। 3, 2, 1, हो गया। अब आ जाओ भाई, किसमें कितना दम है देख लेते। ये ले, छू इसे, छू, जल गया ना। एक सेकेंड, इधर आ, तू भी आ, बहुत शेर बन रहा था ना, चल निकल यहाँ से। तो अभी मैंने तीन मॉन्स्टर्स थे, तीनों को जला के मार दिया है। बाकी एक ना गाइस, ये वाला जो ये देख रहे हो, इस वाली चेस्ट का जो वायर है ना, ये ऊपर से जा रहा है कहीं, तो मुझे, ओ ऊपर से कहीं नहीं जा रहा, वो वाला जो बटन है ना वो मुझे दबाना है, तब ये वाली चेस्ट का गेट ओपन हो जाएगा। बट हाँ, मुझे इतने कॉइन्स की जरूरत, अभी तक मेरे को कॉइन्स इकट्ठे तो कर रहा हूँ बट इतना भी यूज़ नहीं दिख रहा है। एक पिकैक्स है जो कि मुझे खरीदनी है, बट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स मिल चुके हैं, तो शायद उस पिकैक्स की भी इतना यूज़ नहीं होगा। एक ही वाला पॉइंट है, इसको दबा के अगर शायद मैं यहाँ से जंप मारूँ तो मैं ये वाले कॉइन्स कलेक्ट करके सामने आ सकता हूँ। बट ठीक है, अभी मैं काम कर रहा था लावा बॉल को वहां ले जाने का, तो बॉल एक ढूंढते हैं वोरी, इस बॉल को उठाते हैं, और अगर अभी मैं इस रास्ते से लेकर जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। मुझे इसे लेकर जाना है इस वाले रास्ते से नीचे होकर, और डालना है इस पाइप के अंदर। बॉल गया शायद ऊपर, और अभी मुझे भी यहाँ से ऊपर नहीं, मेरे को घूम के ही आना पड़ेगा यार दोबारा। लगे हाथ ना ये वाली चाबी भी लेकर चलता हूँ, इसको भी उस जगह पे लगा कर देखते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ मस्त हो जाए। यहाँ पर एक ताला तो रखा हुआ था, ओए इससे ज़्यादा कुछ मस्त नहीं होगा, एक जंप मिलेगा, और इस जंप से मैं इसे तो नहीं ओपन कर पाऊंगा, मैं खाली भी यहाँ आ गया यार, भाग तेरी की, वापस घूम के जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी मॉन्स्टर सारे मारे जा चुके हैं, तो इतनी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, मैं जितनी मर्जी बार यहाँ पर आ सकता हूँ। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा था, ये बॉल इस पाइप के थ्रू आएगी, और यहीं से आई और यहाँ पर आके गिर गई। और फटाफट से कार्डबोर्ड में आग लगा देते हैं, ये पूरा का पूरा जल चुका है, और अभी आगे का एक और रास्ता ओपन हो गया, बट यहाँ पर माइनक्राफ्ट का एक स्टोन ब्लॉक है जिसकी माइनिंग कर रहा है ये, बट ये तोड़ नहीं पा रहा। लावे पिकेक्स दे, ये नहीं देगा मेरे को पिकेक्स, शायद अभी टाइम आ चुका है पिकेक्स खरीदने का। मेरे पास कितने कॉइन्स है, 38 है ना, थोड़े बहुत कॉइन्स और इकट्ठे करने हैं। 42 पे ही मैं मेरे को लग ही रहा था कॉइन्स का यूज तो है, बट पता नहीं कब, अब समझ आ गया इस टाइम पे असली यूज। खैर पीछे भी एक कॉइन था, जल्दी से उसे चल के लेते हैं। यहाँ पर एक है, इसके पीछे भी एक है, टोटल 40 हो जाएंगे यहाँ से। तो ये हमारी जंप, और ये रहा एक और को, ओ कितनी तेज लगी भाई, गलत। एक बारी ना गाइस हेल्थ फुल करा लेता हूँ, और ये देखो लगे आती है मेरे को यहाँ से एक कॉइन और मिल चुका है। मुझे कुछ नहीं करना हेल्थ फुल करने के लिए, इसे डालना है इसके अंदर और इसके ऊपर खड़े हो जाना है, और ये होगी मेरी फुल एचपी। लेट्स गो, प्लीज भगवान एक कॉइन और दिला दो, मैं पिकेक्स खरीद के यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा यार। अगर ये वाला गेट भी ओपन हो जाए तो अपना काम हो जाएगा, बट समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं ये गेट को कैसे ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर एक कील है और ऊपर कुछ तो एक एरिया है यार, ये क्या है, इसके ऊपर मैं चढ़ नहीं सकता। एक तरीका तो है इसके ऊपर चढ़ने का, बट उसके लिए शायद मुझे अपना बलिदान देना पड़ सकता है। मैं जंप मार के इसे ओन कर सकता हूँ, एकदम टाइम पे बटन दबाना होगा, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं सीधा लावा में डुबकी खाऊंगा। प्लीज नहीं, मैं मर गया। एक और ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारी जंप मैं कर सकता हूँ। वैसे ना यहाँ पर एक कील है, बट पता नहीं क्यों मैं इस कील के ऊपर ना ऐसे खड़ा नहीं हो पा रहा। ओए हो गया, बट मैं समझ क्या कैसे करना है, मुझे पहले यहाँ खड़े होना है फिर इस कील के ऊपर। बैलेंस नहीं बन रहा, वेट यार, यहाँ से तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, और अगर पॉसिबल है भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के होगा भाई, पता नहीं क्यों ऊँची ऊँची जंप मारने के बाद भी वो नहीं हो पा रहा है। खैर ठीक है, मुझे ना बाकी एक बचा हुआ कॉइन कहीं और से ढूंढना होगा। वेट, मेरे को इतना उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, शायद से इस साइड पे भी कुछ कॉइन्स हो सकते हैं जो कि मैंने मिस कर दिए हो, और एक कॉइन से ही अपना काम हो जाएगा। और ये देखो,
एक अच्छा खासा कॉइन यहाँ पे पड़ा हुआ, मैं खाली पीली वहां से एक कॉइन के लिए इतना ज्यादा रो रहा हूँ। और अभी 42 हो चुके हैं और शायद से 42 की मैं पिकेक्स खरीद सकता हूँ। प्लीज ये दे दो मुझे, लेट्स गो। पिकेक्स मुझे मिल चुकी है और यहाँ पे कार्डबोर्ड की जगह ये स्टोन लगा दे। चलो कोई नहीं, पिकेक्स आ गया तो लगे हाथ में इसको तोड़ सकता हूँ। और कितने अच्छे से टूट रहे भाई ये सारे के सारे ब्लॉक्स। लेट्स गो, अंदर चलते हैं। ये मैं आ चुका हूँ यहाँ से बाहर को, और अब फटाफट से मुझे जाना है उस जगह पे जहाँ पर और स्टोन ब्लॉक्स आ गए हैं और लगे हाथ ही मुझे उस पिकेक्स का यूज करके उन्हें भी ओपन करना होगा। और क्या ही जंप मार के लैंड करा है मैंने। ऑलराइट, तो अभी फटाफट यहाँ से सामने चलते हैं और अंदर चल के ये वाले बॉक्स को, मीन्स इस वाले दरवाजे को मैं ओपन करता हूँ। ले ले तेरी इसकी तस्वीर, सारा तोड़ डाला मैंने और अभी ये ओपन हो चुका है। और वाओ, दिस पिकेक्स रियली डज वर्क। तू नकली वाली लेकर घूम रहा है, और ये कौन है? मैंने वहां पर पढ़ा था कि हम लोग पिकेक्स से माइनिंग कर सकते हैं। ओए ये क्या मार, पागल है क्या? मॉन्स्टर आ गए इस गेम में पिद्दे सा तेरी भैंस की। इधर ले भाई, एक सेकेंड शायद मैं इसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ जैसे हम लोग माइनक्राफ्ट में घास्ट के साथ करते हैं। ये ले गया, सीधा मारा उसके मुंह पे जाके फूटा एक में, और हमने उसका बेचारे का खेल खत्म कर दिया। यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड माइन कर सकता हूँ क्या? नहीं, ये पिकेक्स इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। द बंकर इट केव्ड इन आर कॉमरेड्स वर स्कैटर्ड अंडरग्राउंड। तो ये बंकर का रास्ता नहीं था जिसपे मैं चल रहा था इतनी देर से। द पर्पल किंगडम हैज फॉलन लिटरली। कितने किंगडम है? रेड, ब्लू, व्हाइट, पर्पल। फाइंड अ सेफ वे बैक अप टू द सरफेस। मुझे दोबारा से एक नया काम मिल चुका। तो क्या कर रही है यहाँ पर? एकदम सेफली पहुंच गई और मुझे एक के बाद एक काम दिए जा रहे हैं। और ये क्या है सामने? वो एग्जिट है। लेट्स गो। मैं शायद से गाइस एस्केप कर गया। वहां पर एग्जिट का निशान है और वो तो एक पॉप। ये कोई दूसरा किंगडम मुझे लग रहा है। यहाँ पर एक चेस्ट है, प्लीज कुछ मिल जाए। बट वो पागल है क्या? ये कहां से निकला? तेरी बस मर 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 खराब भाई। मैं वेट, यहाँ पर एक स्वॉर्ड जल रहा है क्या? अभी मैं शायद से वाइट किंगडम में आ गया क्या? मैं किसी सेफ लोकेशन पे तो आ गया हूँ, बट आसपास मेरे कोई तो मॉन्स्टर है। मैं किसी सही सिचुएशन में नहीं हूँ क्योंकि ये म्यूजिक तभी। कौन है बे यार? ओए तू नहीं मानेगा, तू नहीं मानेगा, तेरे को नहीं समझ। भाई मुंह पर रैप्टा मार दे रख के। ये बेटा कहाँ था ये? मेरे को इससे ना थोड़ा तमीज से लड़ना होगा। हाँ भाई, किधर से आता? वो रहा इधर। ओ पत्थर फेंक के मार रहा है तो। गिर ले, थोड़ा बच बच के मेरे को इससे। गिर ले, रुक जाओ। गिर ले। ओ बच के। गिर ले, इससे मेरे को थोड़ा बच के ही रहना होगा क्योंकि जब भी मारता बहुत तेज लगती है। गाइस, ये ना बिल्कुल सच्ची में मर ही नहीं रहा यार, बहुत मार चुका हूँ मैं इसको। फाइनली मरा भाई साहब, डरा ही दिया था इसने। ये जो वेट, ये वाली रिवर तो यार पॉइजन वाली है। कोई सेफ रास्ता नहीं है क्या वहाँ सामने जाने का? यहाँ पर है कुछ, ये तो नहाने धोने के लिए है। मैं इस नदी को पार करके जा सकता हूँ क्या? प्लीज़ ट्राई करता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा मैं सेफ रहूँगा। ओह हो गया, मैं भी सेफली उस पार आ चुका हूँ। यहाँ पर अपने प्लम्बी, यस मैं ही हूँ भाई। आई फेल स्ट्रेट थ्रू द फ्लोर इनटू दिस प्लेस, हाउ डू वी गेट आउट? तुम भी अभी यहाँ पर फंसे हो इस बंकर से। अच्छा हाँ, अभी हम लोग कोई सेफ थोड़ी हैं, हम लोग खुद इस बंकर में फंस गए और हमें यहाँ से भी बाहर निकलना है। ये पर्पल किंगडम जो है, ठीक है यार, अभी मैं एक और सेफ स्पॉट पे आ चुका हूँ और यहाँ से अपनी एक नई कहानी शुरू होने वाली है। एक खतरनाक लोकेशन से दूसरी खतरनाक और थोड़ी बहुत सेफ लोकेशन पे पहुँचे हैं, बट अभी हमें यहाँ से एस्केप करना होगा अपनी पूरी टीम, अपने पूरे दोस्तों को लेके, इस पूरे अपने साम्राज्य को लेके। तो चलो गाइस, आज के वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली गेम और ये गेम प्ले वीडियो दोनों जरूर अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो इस वीडियो को जाके लाइक करना, एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए। तो सभी लोग जाके जल्दी से लाइक का बटन, बाकी गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में सबसे बेस्ट फनी या कुछ पजल जो भी पार्ट सबसे बेस्ट लगा हो कमेंट्स में बताना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।